सागर में महामहिम के 28 अप्रैल के आने की तैयारियां और सुरक्षा के तहत जिला प्रशासन और पुलिस की रिहर्सल हुई है। इस रिहर्सल के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय जाने के रास्ते कई घंटे बंद रहे। इस रिहर्सल की जानकारी आम लोगों तक नहीं थी। इस वजह से प्रशासन और केंद्रीय विश्वविद्यालय की इस लापरवाही का खामियाजा लोगों के साथ मासूमों और स्कूली बच्चों को उठाना पड़ा। हद तो तब हो गई जब कैंपस का रहने वाला देव रेकवार 2 घंटे से अपनी 3 साल की बीमार बच्ची को यहां वहां लिए घूमता रहा। 2 घंटे से खड़े लड़की की तबीयत खराब है, जाने नहीं दे रहे अंदर। अब से क्या नाम है बच्ची का आपका? प्रिया। क्या आपका क्या नाम? देव कुमार रेकवार। कहां से आए हैं आप? कैंपस से। तो कैंपस वापस जा रहे हैं? हां, घर जाना। लेकिन जाने नहीं दे रहा आप? जाने नहीं। कब से खड़े हो आप? 2 घंटे हो गए सर। और कोई घंटा खड़े मेरे को बच्ची के पुलिस प्रशासन की यह नाकेबंदी राष्ट्रपति महोदय की सुरक्षा के तहत की गई थी। उनका कहना था कि वाहनों की रिहर्सल होनी है, इसलिए यह रास्ते रोके गए हैं। लेकिन जिनके पास वीवीआईपी पास हैं, उन्हें कैंपस में प्रवेश दिया जा रहा था। अब सवाल यह है कि सुरक्षा की यह दोहरी छूट क्यों? वीआईपी पर शक नहीं है और आम आदमी जो वीआईपी नहीं वह सुरक्षा में खलन डाल सकता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के सारे रास्ते कई घंटे बंद रहे। हम आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 11:30 पर सागर पहुंचेंगे। वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बाद सदगुरु के कार्यक्रम में शामिल होकर 4:30 पर वापस रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।